जनपद पंचायत जयसी नगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पसोड़ के उपसरपंच एवं पंचायत के पंचों ने ग्राम पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक के मनमानी एवं भ्रष्टाचार युक्त आचरण को लेकर अनुविभागीय अधिकारी जयसी नगर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से पसोड़ ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि ग्राम पसोड़ में नियमित सचिव की पदस्थापना की जाए एवं वहां पदस्थ रोजगार सहायक द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों की जांच की जाए। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रत्येक पंचायतों में ई पंचायत के अंतर्गत सारे उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, परंतु ग्राम पंचायत पसोड़ में ई पंचायत के नाम पर ठेंगा समझ में आता है। बताया जाता है कि पंचायतों को मिलने वाले कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण रोजगार सहायक द्वारा अनियंत्रित रखा दिया गया है एवं पंचायत के सारे कार्य नामित व्यक्ति से कमीशन बतौर कराया जाता है। जनप्रतिनिधि ने बताया कि ग्राम पंचायत पसोड़ में विगत 3 वर्ष से सचिव के पद पर नियम विरुद्ध तरीके से रोजगार सहायक को रखा गया है। उक्त रोजगार सहायक अथवा सहायक सचिव स्थानीय होने के कारण सारे कार्य मनमानी पूर्ण तरीके से करता है। हितग्राही मूलक योजनाओं में रोजगार सहायक द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से अपने व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है, उसके एवज में उनसे राशि ली जाती है। रोजगार सहायक के तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण पूरा ग्राम पंचायत त्रस्त है। ग्राम पंचायत के निर्वाचन को लगभग 1 वर्ष होने को है, परंतु आज तक ग्राम पंचायत की एक बैठक भी नहीं कराई गई, जिससे हितग्राही मूलक कार्यों का निपटारा नहीं हो पाया। उक्त रोजगार सहायक अपने आप को पूर्व मंत्री का खासम खास कर अधिकारियों पर दोष जमा कर मनमानी पूर्ण तरीके से कार्य करता है। पूर्व में रोजगार सहायक रहते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पद पर लगभग 1 वर्ष तक कार्य करता रहा। शासन के करिंदे अनदेखी करके रोजगार सहायक के विरुद्ध कार्रवाई न कर सके। ग्रामवासियों ने अनुविभागीय अधिकारी से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उक्त रोजगार सहायक के विरुद्ध जांच करके कठोर कार्रवाई की जाए एवं ग्राम पंचायत पसोड़ को पूर्णकालिक सचिव उपलब्ध कराया जाए। मेरा नाम रवि सिंह बघेल है जी। ग्राम पंचायत पसौड़ का उप सरपंच हूँ। ग्राम पंचायत के अनियमितताओं को लेकर, ना तो ग्राम पंचायत में कंप्यूटर है, 3 वर्ष से हमारे ग्राम पंचायत में सचिव नहीं है जी। रोजगार सहायक स्थानीय होके वित्तीय प्रभार रोजगार सहायक के पास जी है। इसके कारण काफी लोगों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है जी, क्योंकि नाडब बने हुए उनकी पेमेंट नहीं हो रही, शौचालय बने उनकी पेमेंट नहीं हो रही है, सरपंच भी उन्हीं के साथ मिलकर कुल मिला के टोटल सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है जी। तो आज के ज्ञापन में आपने क्या उल्लेख किया? हमने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया कि हमको सचिव, नया सचिव चाहिए और ग्राम पंचायत में कंप्यूटर होनी चाहिए, सही तरीके से काम हो, ना तो साप्ताहिक बैठक होती है हमारे यहाँ पंचों की, मासिक बैठक नहीं हो पा रही है अभी, मतलब 6 महीने हो गए चुनाव। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की यह रिपोर्ट।